अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम इथाइल अल्कोहल जो कि लिक्विड स्टेट में है उसका हम बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। सो आज हम इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उनमें ग्लास बीकर चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए विथ क्लैम, स्टीरर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, वायर गॉज चाहिए, फ्यूजन ट्यूब चाहिए, कैपिलरी ट्यूब, थ्रेड या रबर बैंड चाहिए। इसके अलावा इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो केमिकल्स चाहिए उनमें वाटर और इथाइल अल्कोहल शामिल हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑपरेटर्स हैं वो एक बार फिर देख लेते हैं। हमें इसके लिए इथाइल अल्कोहल चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, वाटर चाहिए, कैपिलरी ट्यूब चाहिए, फ्यूजन ट्यूब चाहिए, ग्लास रॉड या स्टीरर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, थ्रेड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, वायर गॉज चाहिए, बीकर चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए और आयरन स्टैंड चाहिए। कैपिलरी ट्यूब है, इसको आपने, इसके दोनों एंड ओपन होते हैं, ठीक है। आपने इसको मिड से दरमियान से हीट करना है और हीट करने के दौरान आपने इसे रोटेट करना है और ट्विस्ट करना है। इससे क्या होगा, जैसे ये मेल्ट होगी, आप रोटेट और ट्विस्ट दोनों कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगा, जिस हिस्से से मेल्ट होगी वो हिस्सा जब आप ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने से क्या हो गया, बंद हो गया। सो अब आप इन दोनों पोर्शन को इलादा कर सकते हैं क्योंकि मेल्ट हो चुकी हैं, नरम हो चुके हैं, इलादा हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने फ्यूजन ट्यूब लेनी है, उसमें आपने इथाइल अल्कोहल डालना है ड्रॉपर की मदद से, ठीक है। सो ये इथाइल अल्कोहल हमने फ्यूजन ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपने फ्यूजन ट्यूब जो है इसको आपने थर्मोमीटर के साथ अटैच करना है इस तरह से कि थर्मोमीटर और फ्यूजन ट्यूब की जो बेस है वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है। आपने इसे थ्रेड की मदद से जो है वो बांध देना है। अब आपने फ्यूजन ट्यूब प्लस थर्मोमीटर को जो है वो वाटर बीकर में सस्पेंड करना है। सो ये हमारे पास बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड जो है वो पानी डाला हुआ है। ये ट्राइपॉड स्टैंड और इसके ऊपर वाइकोस आपने रखी, इसके ऊपर आपने बीकर जिसमें वाटर ऐड किया हुआ है वो आपने रखा, और वाटर हमने आई थिंक 150 के करीब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर के क्यूब के करीब। सो आपने इसमें सस्पेंड करना है थर्मोमीटर और फ्यूजन ट्यूब को, और इस तरह से आपने सस्पेंड करना है, इस तरह से लटकाना है कि फ्यूजन ट्यूब का जो ओपनिंग है वो काफ़ी ऊपर रहे, ठीक है। सो ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब जो हमने बनाई थी, इसका एक एंड जो क्लोज है उसको आपने बाहर रखना है और जो ओपन एंड है उसको आपने अंदर रखना है फ्यूजन ट्यूब के, ठीक है। और एक बार फिर मैं मेंशन कर दूं, आपने फ्यूजन ट्यूब की जो ओपनिंग है उसको आपने वाटर लेवल से काफ़ी ऊपर रखना है ताकि बॉइलिंग के दरमियान वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्यूजन ट्यूब में ना जा पाए, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल का जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो अब आप हीट करेंगे स्पिरिट लैम्प को जला कर, और आपने स्टीरर की मदद से जो है वो हिलाना है ताकि यूनिफॉर्म हीट मिले, ठीक है। सो ये आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि जो अभी इनिशियल जो टेम्परेचर देख लें 13 डिग्री सेल्सियस है, 13 डिग्री सेल्सियस। सो हीट करने के बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो राउंड अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया है हीट करने से, ठीक है। सो आपने तब तक हीट करना है जब तक फ्यूजन ट्यूब में बबल्स जो हैं वो आपको नज़र ना आए, और वो बबल्स फ्यूजन ट्यूब में मौजूद कैपिलरी ट्यूब में जो है वो अराइज होना शुरू ना हो जाए, कैपिलरी ट्यूब में आना ना शुरू हो जाए। तो ये आप देखें, ये बबल्स जो हैं ये बन रहे हैं, और ये बबल्स फिर कैपिलरी ट्यूब की जो ओपनिंग है जो हमने फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाली थी उसमें से उसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और आपको कैपिलरी ट्यूब में भी जो है वो बबल्स नज़र आएंगे, ठीक है। अब आपने इस मौके पे टेम्परेचर नोट ऑन करना है, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो ये आप देख सकते हैं 79 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है ये टेम्परेचर है जिसपे जो फ्यूजन ट्यूब है उसमें बबल्स जो है वो बने हैं, और वो बबल्स जो हैं वो कैपिलरी ट्यूब कि अंदर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सो 79 डिग्री सेल्सियस आपने ये नोट ऑन करना है, ये हमने देखा है। इसी तरह आपने दूसरी बार एक्सपेरिमेंट नोट ऑन एक्सपेरिमेंट करना है, और दूसरी बार हमारी रीडिंग 80 डिग्री सेल्सियस आई है।
अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन की हैं उसको हम देखेंगे। पहले हमने जो टेम्परेचर नोट डाउन किया था वो 79 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आया था, जब बबल्स जो थे वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होना शुरू हो गए थे, आना शुरू हो गए थे। दूसरी बार जब हमने किया तो फिर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया। हमने मीन रीडिंग निकालनी है तो 79 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 79.5 डिग्री सेल्सियस आया है। हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 79.5 डिग्री सेल्सियस आया, लेकिन एक्चुअल जो है वो हमारे पास होता है 78.8 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एरर हो सकता है, ठीक है, हम प्रैक्टिकल के दरमियान हमसे कोई एरर हुआ उसकी वजह से जो है ये हमारे पास आ सकता है। जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आया है वो हमारे पास एक्चुअल नहीं है, और वो कितना आया है 79.5 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअल के करीब करीब है, ठीक है।